ऐसा ही है, जो बालोट सब ब्रांच है उसके पुल पे जैसे अटरला, इस पर फेयर लॉज हो चुकी है, तब की जारी, देखते हैं भाई ट्रक वाले की या जो डार्सल कंपनी जिसकी ट्रांसपोर्टेशन थी उसकी गलती है या कोई पुल में कभी थी, अभी तफ्तीश का विषय है, तफ्तीश के बाद ही स्पष्ट हो शायद। तो सर अभी जो मामला दर्ज किया हो किसके खिलाफ, किसके प्लान पे किया गया? फिलहाल जो ना डार्सल कंपनी है निशार की, ये यमुनानगर से बॉम्बे के लिए ले जाती है कोई मशीन का पार्ट था, उनके खिलाफ किया गया। और HSRDC के अपने SC ने काजला साहब उनके बयान पे या उनके एप्लीकेशन पे एफआईआर लॉज हुई। तो सर क्या ट्रेलर में वजन ज़्यादा था इस वजह से किया गया? अब ये जांच का विषय है, HSRDC का रेमेज ज़्यादा वजन था इसलिए पुल टूट गया है, अब ये देखना है किस कारण से टूटा है, या मतलब ज़्यादा वजन था या कोई पुल में कमी थी, या फिलहाल कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर होगा। जो ट्राला कंपनी है जी, हाँ डार्सल कंपनी है शहर की, ये यमुनानगर से लौट करके चली थी। ठीक है, क्या कितने टायर वजन था सर, कितना क्या बताया? ये कंपनी कह रही है 210 टन के करीब था जो ट्राला कंपनी है। हाँ 128 जो टायर वाला ट्रक था ये जी। और जो पुल की इसमें क्षमता कितनी थी सर? अक्षमता अभी तो ये कोई 100 टन के करीब करे हैं, बाकी रिकॉर्ड अभी लेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, वो ट्रायल निकाल दिया गया? अभी निकला नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं।